हे गाइस, वेलकम बैक टू पहाड़ी ब्रदर्स व्लॉग्स। दोस्तों, विंटर्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज होती है वाटर हीटर। तो वही मैं एक वी गार्ड कंपनी का वाटर हीटर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जिसको हम गीजर भी कहते हैं। और बाथरूम में, किचन में सबसे ज्यादा ये चीज यूज की जाती है विंटर्स के सीजन में। तो बहुत सारे ब्रांड्स आ चुके हैं मार्केट में और हम कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि हम जो अपना आंखों से देखकर विश्वास करते हैं ना, वो विश्वास आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो पहले मैं इसको अनबॉक्स करता हूं और इसके बारे में आपको प्राइस, इसके फीचर्स, इसकी इंस्टॉलेशन, सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो गाइस, जब मैंने इसको अनबॉक्स किया तो आपको यहां पर देख सकते हो ये जो एक कनेक्शन पाइप दी है ना, तो वैसे तो दो चाहिए होती है हमें, एक इनपुट एक आउटपुट, यानी कि इनलेट और आउटलेट। तो हमारे जो कनेक्शन में एक तो ऑलरेडी लगी हुई है, तो एक की नीड थी तो मैं लेके आ गया। इन्होंने मुझे ये इसके साथ में फ्री में दे दिया ये, ठीक है। और बात करूं साथ में हमें इसके साथ क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, देख सकते हो आप, ये हमारे फास्टनर वगैरह है और ये इसके शायद आउटलेट में जहां पे भी काम आता होगा। एक हमें इसमें ये भी दिया गया है साथ में ही इसके। अब मैं इसे बाहर निकालता हूं और हमें दिख रही है अपने वायर, और मैं इसको निकाल देता हूं। तो ये रहा हमारा अंदर प्रोडक्ट, अपना गीजर, और ये है वी गार्ड कंपनी का। इस समय ये शायद मुझे उल्टा लग रहा है क्योंकि ये जो आउटलेट और इनलेट वाले हैं ये नीचे की तरफ है, तो मैं इसको पहले निकालता हूँ, फिर उसके बाद आपको पूरी डिटेल देता हूँ। सो गाइस, ये हमारा निकल चुका है और इसके अंदर कुछ नहीं, थर्माकोल था इसकी पैकिंग थी, बाकी ये देख सकते हो आप। अगर मैं इसको यहाँ से मैंने जो नीचे थर्माकोल है ना लगा के निकाला, क्योंकि इसको जो रखते हैं ना वो थर्माकोल के ऊपर ही रखना, क्योंकि नीचे आपने नॉब वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको भी। तो ये आप देख सकते हो, और थोड़ा सा जूम करके यहां पर दिखाना, इसकी जो बॉडी है ना, एक बार साउंड सुनो, ये प्लास्टिक नहीं है, कुछ मेटल सा लग रहा है मेरे को, ये तो बज रहा है, साउंड आ रही है, तो ये मेटल है, प्लास्टिक नहीं है और कोई एल्युमिनियम टाइप हो सकती है। ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर मेरे को ये वाला प्लास्टिक दिख रहा है जो ऊपर का पार्ट है इसका, दोनों के साउंड में काफी फर्क है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा इस तरह से लगने वाला है, और नीचे आप देख सकते हो जब ये लटकेगा ना तो हमें नीचे नॉब मिल जाएगी, और नॉब ये वाटर टेम्परेचर एडजस्टिंग के लिए है। इसको आप घुमाकर अपना कितना हमें कितना गर्म पानी चाहिए इसमें वो आप देख सकते हो। बाकी इसकी वायर है, और एक चीज और है यार, वायर में ना हमें प्लग नहीं दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं प्लग नहीं दिया था, और मैं प्लग लेके भी नहीं आया हूँ, अब मुझे लगता है कि प्लग भी लाना पड़ेगा शायद, ठीक है। तो प्लग नहीं मिला है। सो गाइस, इसकी वारंटी जो मुझे दी है ना वो 2 साल पूरे टैंक की वारंटी है, बाकी 5 साल की जो है इसके इनर टैंक की, जो इसके अंदर का टैंक होता है ना उसकी वारंटी है, और 2 साल ही शायद इसके जो हीटिंग कॉर्ड होती है शायद उसकी होगी वारंटी। बाकी ये इस तरह से आपको वारंटी कार्ड मिल जाएगा। और प्राइस की बात करूं तो दोस्तों, अमेजोन पे इसका प्राइस लगभग 6,800 के आसपास दिखाएगा, 6,900 या 7,000 के आसपास दिखाएगा आपको ये 15 लीटर का। लेकिन मैंने ये ऑफलाइन लिया है, तो आप अपनी जान पहचान या रिलेशनशिप आपके कैसे हैं दुकानदार से, उसके हिसाब से वो आपको डिस्काउंट दे देगा, क्योंकि वो बल्क में लेके आते हैं। तो मुझे ये 6,700 का मिल गया है। अब इंस्टॉलेशन इसका इंक्लूड नहीं है, ना ही बॉक्स में कहीं पे इंस्टॉलेशन फ्री लिखी है, तो मुझे ये इंस्टॉल अलग से करवाना पड़ेगा, और उसके चार्जेस जो हैं, अब मैं 2 गीजर लेके आया हूँ, सेम 2 गीजर, तो इसके इंस्टॉलेशन उन्होंने बोला कि 500 रुपये ले लेंगे भैया, 2 गीजर है तो, अदरवाइज एक का तो वो 300 या 400 रुपये ले लेते, शायद 300 रुपये ले लेते मिनिमम। तो बाकी आप देख सकते हो ये पूरा गीजर हो गया। और इसके फीचर्स की बात करूं, इसमें ऑटो कट आपको मिल जाएगा, जब ये 35 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पानी गर्म करेगा ना, उसके ऊपर जब जाएगा तो ये ऑटो कट कर देगा, अगर 90% जाएगा तो ये पूरा ही पावर कट कर देगा, बट जब 75% पानी गरम हो जाएगा, 75% नहीं 75 डिग्री, और बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है, मुझे लगता है कि 75 डिग्री से कोई नहाता होगा, ठीक है। तो 35 से 70 के बीच में जब ये गर्म कर लेगा ना, उसके बाद ये नॉर्मल जो कट होता है रेड लाइट से ग्रीन लाइट पे आ जाएगा, उतने पे आप ठंडा पानी मिलाकर नहा सकते हो। और रही बात कितनी देर में ये गर्म कर लेगा, मान लीजिए पूरा टैंक आपने 12 लीटर की बाल्टी भर दी अपनी, या 15 लीटर की बाल्टी भर दी, क्योंकि 15 लीटर का है ना ये, तो उसके बाद जब ये पूरा भरेगा तो लगभग 10 से 12 मिनट के अंदर ये पूरा गर्म हो जाएगा, ऐसा मुझे शॉपकीपर ने स्टोर में कहा था। लेकिन मैं यहां पर भी आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि मैंने कितने टाइम पर इसको ऑन किया और कितने टाइम पर मुझे पूरा गर्म पानी मिलता है, क्योंकि यार
बहुत से लोग प्रेफर करते हैं कि हमें एकदम गर्म पानी चाहिए वरना हम नहा नहीं पाएंगे, पता नहीं वो कैसे झेल लेते हैं, पर हाँ वो गर्म पानी प्रेफर करते हैं। तो चलो इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद आपको सारी अपडेट देता हूँ मैं। तो यार आजकल के गीज़र को ना इंस्टॉल करना बहुत इजी हो चुका है, आपको बस एक ड्रिल मशीन चाहिए, आप उस अपने मेज़रमेंट लेकर ड्रिल कर दो, ड्रिल करके ये जो इसके हुक दे रखे हैं ना फास्टनर वगैरह डाल के हुक को लगा लो, और जस्ट इनके पॉइंट को आपको ऊपर की तरफ को करना है, जिसमें आप अपना गीज़र के ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ना इसको हैंग करना है इसके अंदर, और बस इजीली आप वहाँ पे हैंग कर दो और वह लटक जाएंगे जस्ट, और कुछ भी हमें करने की जैसे मैंने आपको बताया ना, बस आपको जो इनके पॉइंट से पॉइंट को मैच करना है और वो उसमें जस्ट हैंग कर जाएगा इस तरह से, देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है लेकिन ये मैं मिल गया, और जस्ट हैंग कर दो, नीचे की तरफ मैं कुशन लगा है और वो अपने आप दीवार में टच हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ये जो लाइट आपको ब्लिंक दिख रही है वैसे ब्लिंक नहीं है, स्टेबल है, बट कैमरे में ब्लिंक लग रही होगी। अगर आप अपना तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट, इसका मतलब पानी शावर में यूज़ करते हो ना ये पानी 15 लीटर के गीज़र में, तो गाइस ये चीज़ का ध्यान रखना, बहुत जल्दी शावर से पानी निकलता है तो गर्म पानी आपका जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर ठंडा आना शुरू हो जाएगा। बट हाँ अगर आप गीज़र साथ के साथ ऑन रखते हैं और फिर यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं एकदम ठंडा नहीं पर साथ साथ वो गर्म भी होता जाएगा, तो गुनगुना पानी आपको मिल जाएगा। बट फिर भी जहाँ तक हो सके तो 15 लीटर अपने यूज़ के हिसाब से लेना, अदरवाइज आप 25 लीटर लगवाओगे तो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा शावर में अगर आपको यूज़ करना है तो। सो गाइज आपने देख ली पूरी अनबॉक्सिंग और किस तरह से इसको फिट करना है, किस तरह से यूज़ करना है, और ये था वी गार्ड का विस्टोरा गीज़र जिसमें 15 लीटर का मैंने लगाया है, लेकिन आप अपनी यूज़ के हिसाब से ज़्यादा लगवा सकते हो। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए आप 25 लीटर का लगाते हो, आपने एक बाल्टी निकाल ली उसमें से 10 लीटर ठंडा पानी भी तो जाएगा उसके अंदर, और जब ठंडा पानी जाएगा 10 लीटर का तो दोबारा वो 25 लीटर एक तरह से ठंडा हो जाएगा या गुनगुना सा हो जाएगा, तो उसको दोबारा पावर लगेगी, दोबारा वो गर्म करेगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आप 4 या 3 लोग रहते हैं घर में तो 15 लीटर का लगवा लीजिए, 15 लीटर का आप खाली करोगे तो दोबारा गर्म होगा, लगभग उसको 8 से 10 मिनट लगेगी और वो दोबारा गर्म हो जाएगा, क्योंकि 25 भी गर्म होने में और 15 गर्म होने में यूनिट्स बचाएगा कहीं ना कहीं आपका 15 लीटर, और 5 स्टार है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बचत तो करेगा, ऐसे बताना मुश्किल है कि कितना होता है कितना नहीं होता है, वो तो हमारा खाली माइंडसेट होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत बचत तो हो ही जाएगी। तो अगर आपको परचेज करना है या कंपेयर करना है तो भाई मैंने लिंक जो है 2-4 गीज़र के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, कंपेयर कर सकते हो आप अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग कंपनी के साथ में, जो आपको अच्छा लगे आप परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 100-200 का फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ऑनलाइन आपको कुछ कूपन वगैरह लग जाते हैं तो आप ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद जय भारत।